दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खराब प्रदर्शन की वजह से ही टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। भारत के हार की बड़ी वजह खराब बल्लेबाजी रही। अजिंक्य रहाणे को छोड़ दिया जाए तो टीम इंडिया का कोई भी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अर्ध तक नहीं लगा पाया। इस हार के बाद बीसीसीआई एक्शन मोड में है और ये निश्चित ही कुछ खिलाड़ियों की टेस्ट टीम से छुट्टी हो सकती है, जिसमें सबसे आगे मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का नाम चल रहा है। फाइनल टेस्ट में वैसे तो टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन पुजारा से सब काफी ज्यादा उम्मीद थी, जिस पर वे खड़े नहीं उतर सके। ये बल्लेबाज सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता है और पिछले 2 साल से इंग्लैंड में ही काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए उम्मीद थी कि वो फाइनल मुकाबले में बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पहली पारी में सिर्फ 14 रन के स्कोर पर बोल्ड होने वाले ये बल्लेबाज दूसरी पारी में महज 27 रन ही बना सके। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनकी टेस्ट टीम से छुट्टी हो सकती है। 21 साल के युवा खिलाड़ी को इनकी जगह पे टीम में शामिल किया जा सकता है। चेतेश्वर पुजारा की जगह टेस्ट टीम में जिस खिलाड़ी को शामिल करने की बात चल रही है, वो आईपीएल 2023 में अपने बल्ले से धमाका करने वाला 21 साल के यशस्वी जायसवाल है। इस खिलाड़ी ने आईपीएल के 16वें सीजन में 14 मैचों में 625 रन बनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और भारतीय टीम के चयनकर्ताओं को अपनी तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसका फल शायद जल्द ही इन्हें मिल सकता है। वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें चुना जा सकता है। पीटीआई या स्पोर्ट की तरफ से यह न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि यशस्वी जायसवाल को चेतेश्वर पुजारा की जगह पे टेस्ट सीरीज में शामिल किया जा सकता है। अगर बात करें यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने अब तक 15 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिसमें 80.21 की औसत से 9 शतक की सहायता से 1845 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 265 रनों का रहा है। उनके इसी रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय टीम ने उनका चयन वेस्टइंडीज दौरे के लिए किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चेतेश्वर पुजारा को फिलहाल रिप्लेस करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।